आपको SBM सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप सेल लिस्ट चेक कर सकते हैं ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन शो होता है सेल, सेल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सेल इनवॉइस और सेल रिटर्न। ये दोनों चीज़ें हमने आपको पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट सेल इनवॉइस लिस्ट। हम जैसे ही सेल इनवॉइस लिस्ट पर क्लिक करते हैं ये हमारा पूरे इनवॉइस की लिस्ट आ जाती है, जो भी हमने इनवॉइस क्रिएट किया है फ्रॉम डेट टू टू डेट के बीच में। अगर आपको बैक डेट का कोई इनवॉइसिंग चेक करना है तो यहाँ से आप डेट चेंज करके डेटा आपका चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है ऑल रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड मीन्स अगर आप ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपने जब से सॉफ्टवेयर लिया तब से लेके अब तक का पूरा रिकॉर्ड कम्प्लीटली यहाँ पे आपको शो होगा। या फिर इस रिपोर्ट को आपको एक्सेल एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल का बटन दिया है, यहाँ से आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे सेव किया तो देखिए हमारा एक ऑप्शन शो होगा एक्सेल फाइल क्रिएटेड का। आपको जिस भी पर्टिकुलर पाथ में इसे सेव करना है आप उसे वहाँ सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को ओके करेंगे तो उस पर्टिकुलर पाथ पे आपका जो है एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं कि एक्सेल का फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा सर्च का। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। सर्च का इसलिए दिया गया है ऑप्शन, आप किसी भी कस्टमर के मोबाइल नंबर या फिर किसी भी कस्टमर के नाम या फिर किसी भी कस्टमर का रिसिप्ट नंबर के हिसाब से आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसी भी कस्टमर का नाम, तो जैसे ही मैंने कस्टमर का नाम लिखा तो देखिए उसका डेटा आ गया। अगर मोबाइल नंबर से करना है तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल नंबर से करना है तो आप बिल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बिल नंबर 201 ये, तो ये देखिए ये बिल हमारा आ गया। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्चिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसमें से किसी भी एक बिल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप उस बिल पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही बिल पे डबल क्लिक करेंगे बिल ओपन हो जाएगा एडिटिंग के लिए। आप यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट मोड के नीचे डिलीट इनवॉइस, जैसे ही हम डिलीट इनवॉइस से क्लिक करते हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट यस, तो यहाँ से जो है आप अपना कोई भी सेल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। अब वापस हम उस पर जाएंगे, टोटल हमारे कितने इनवॉइसेस थे 21। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगी मेरा रिकॉर्ड कितना हो जाएगा 20, क्यों? क्योंकि हमने एक इनवॉइस अभी डिलीट किया है। सेम अगर आपको कोई बिल में अपडेट करना है तो उस पर्टिकुलर बिल को आप ओपन कीजिए डबल क्लिक करके। बिल ओपन होने के बाद आपको जो भी चेंजेस करने हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस करना है, प्राइसेस में चेंजेस करना, आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया यहाँ पे एक और क्रिजाल का और इसे अपडेट कर दिया। जैसे हम इसे मतलब एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा और आप इसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है तो ये आपका यहाँ से रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद आपको जो भी चेंजेस यहाँ पे शो होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन क्लोज का, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं इस फॉर्म को। थैंक यू।